हाँ तो मेरे भाई लोग, और कैसे हो? होपफुली सब बढ़िया होगे। तो दोस्तों आ चुके हैं एक और न्यू सोलो गोन कर रैंक पुशिंग वाली वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि भाई 4 दिन से जो है मैं गेम प्लेज नहीं डाल रहा हूँ। दोस्तों उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि हमारा फंक्शन था, त्यौहार था, तो उसी चीज़ों की वजह से जो है मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था। तो आज से जो है आप लोगों को रेगुलर्स भाई 7 PM पे वीडियोस देखने के लिए मिलेगी। अब अपन उधर जाते हैं दोस्तों इवेंट पे, और इवेंट पे उतरते के साथ ही नीचे की साइड में अपने को एक बॉट भैया दिख जाते हैं। तो उन भाई सब को तो अपन इजीली फिनिश कर देते हैं, और नीचे की साइड में एक और बंदा रहता है। अब इन भाई साहब को भी यहाँ पे इजीली फिनिश कर देते हैं अपन। अब दोस्तों इन भाई सब को फिनिश करने के बाद में अपने 2 किल हो चुके थे, अब आगे की साइड में अपने को और भी किल्स करने थे। अब मैं देखने के लिए आ जाता हूँ यहाँ पे और भी बंदे, और मैं जैसे यहाँ पे बाहर की साइड में भाई सामने की तरफ देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे भाई गाड़ी तो दिखती है आपस में ठुकी हुई। तो मैं जैसे यहाँ पे स्कोप इन करके भाई चेकआउट करता हूँ, लेकिन उतने में ही मेरे को पता चलता है भाई पीछे की साइड से एक बंदा आ जाता है। मेरे को साउंड ही नहीं आया था यहाँ पे। अब जैसा कि आपने यहाँ पे देखा भाई, मैंने पीछे की साइड में देखा था, लेकिन अपने को बंदा था उस स्पॉट हुआ नहीं था, लेकिन ये भाई अचानक से कहाँ से आ गए क्या पता, और अपने को यहाँ पे इजीली फिनिश भी कर देते। अब यहाँ पे फिनिश होने के बाद में अपन उधर जाते हैं जॉर्जो सिटी, और यहाँ से भाई अच्छी खासी लूट तो पहले कर लेते हैं। अब लूट करने के बाद में अपन निकल लेते हैं यहाँ से बंदे ढूंढने के लिए, क्योंकि अपने किल्स वगैरह कुछ भी नहीं थे यहाँ पे। अब दोस्तों मैं आ जाता हूँ ड्रॉप की साइड में, यहाँ पे एक बंदा ड्रॉप लूट रहा होता है, और जैसे ही निकल रहा होता है तो मैं यहाँ पे बंदे को भाई स्प्रे देता हूँ, लेकिन यहाँ पे भाई कोई बंदा यहाँ पे भाई मैंने 14 से किल चुरा लेता है दोस्तों। मेरा यहाँ पे दिमाग ख़राब हो चुका था, लेकिन सामने की साइड बंदा मुझे स्पॉट हुआ नहीं था। दूसरी साइड से मुझे आता है यहाँ पे बेकार स्प्रे, मतलब भाई बंदे का स्प्रे जो था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मेरे को लोकेशन पता नहीं चली, लेकिन मैं यहाँ पे रुकता हूँ नहीं, क्योंकि ओपन साइड से, और ओपन साइड में अगर आप हीलिंग वगैरह लगाते हैं ना दोस्तों, तो समझ जाइए आपकी पेटी कहीं ना कहीं से बन सकती है, तो वहाँ से निकलना ही बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे घरों की तरफ, और यहाँ पे ऑलरेडी गाड़ी स्पॉन होती है, तो मैं यहाँ से भाई बग्गी लेके निकल लेता हूँ जोन की तरफ, क्योंकि सर्कल जो है काफ़ी ज़्यादा आगे की तरफ शिफ्ट हो चुका था, तो अब की बार अपने को निकलना होता है सर्कल में। तो सर्कल में जाने के बाद मैं देखो दोस्तों किस तरीके से जो है अपन पोजिशन वगैरह देखते हैं। काफ़ी सारे भाई लोग जो है अपने यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते इस जोन में, और भाई गाड़ी ले जाके कहीं ना कहीं फिनिश हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है आप लोगों को इस गेम में पता चलेगा कि आप लोगों को किस तरीके से जो है गाड़ी लेके सर्वाइव करना है, और आपके पास में गाड़ी रहनी चाहिए दोस्तों एंड के लोकेशन पे, मतलब एंड के लोकेशन में गाड़ी आपके पास रहेगी ना भाई, कहीं ना कहीं से तो आप लोग चिकन वगैरह निकाल ही सकते हो, मतलब 50-50 चांसेस तो रहते ही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मेरी आवाज़ को क्या हुआ, भाई मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तरीके से बैठी हुई है, क्योंकि प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा चिल्लाना विल्लाना नाच कूद हुआ, तो उसी चक्कर में जो है भाई आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बैठ गई है मेरी। अब काफ़ी सारे भाई लोग कमेंट में ये मत लिखने लग जाना कि भाई विक्स की गोली लो और खिचखिच दूर करो, क्योंकि भाई अपन ने यहाँ पे डेविल भाई की खिचखिच दूर कर दी यहाँ पे। तो भाई को फिनिश करने के बाद मैं सामने की तरफ में एक और बंदा रहता है, तो वो मुझे यहाँ पे भाई जोन में तो बिल्कुल भी जाने नहीं देगा, मुझे पता था, तो मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब वेट करता हूँ। जैसे ही बंदा अगर निकलेगा जोन में, तो मैं भी उसी तरीके से जो है जोन में निकलूँगा। सबसे पहले तो मैं अपनी बग्घी के ऊपर स्मोक वगैरह कर देता हूँ, और यहाँ से निकलेंगे सबसे पहले तो भाई देख के, क्योंकि मैं यहाँ पे गेट इन करके बैठ जाऊँगा, जब जाके वो बंदा यहाँ से निकलेगा तभी जाके जो है अपन भी यहाँ से जोन में निकलेंगे। अब बंदा यहाँ से अपनी गाड़ी लेके आगे की तरफ रोटेशन दे देता है, तो मैं भी यहाँ से निकल लेता हूँ अभी सर्कल की तरफ। अब यहाँ से देखो दोस्तों किस तरीके से जो है सर्कल में जाके होल्ड करते अपन लोकेशन।
अब मैं आ जाता हूँ इस लोकेशन पे, और इस लोकेशन पे आने के बाद मैं पीछे की साइड में मुझे आता है फुटस्टेप। अब ये भाई साहब यहाँ पे जोन में तो थोड़े बहुत डैमेज हो चुके होंगे क्योंकि मेरी यूएमपी की एमओ काफ़ी ज़्यादा कम लगती है भाई को, और यहाँ पे भाई भी इजीली फिनिश हो जाते हैं। अब इन भाई साहब को फिनिश करने के बाद में सर्कल आगे की तरफ शिफ्ट हो चुका था, अपने ऊपर बिल्कुल भी कोई से भी गेम में सर्कल नहीं बन रहा था। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अपनी बगी के ऊपर स्मोक कर लेता हूँ ताकि जो है अपने को सर्कल में निकलने के लिए, और भाई कोई बंदा अपनी गाड़ी के टायर्स ना फोड़ दें, तो इसी चीज़ के चक्कर में अपन यहाँ पर सर्कल स्मोक कर लेते हैं। अब स्मोक करने के बाद में अपन निकल लेते हैं यहाँ पे सर्कल में, और सर्कल में जाने के बाद में देखो किस तरीके से अपन यहाँ पे सरवाइव करते हैं। अभी अब दोस्तों 4 दिन से जो है मैं गेम प्लेज नहीं खेला हूँ बिल्कुल भी, तो थोड़ा बहुत गेम प्ले में फ़र्क आया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने के बाद में भाई थोड़ा बहुत तो एम अपन ने सुधारा है अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके जो है अपन अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। अब यहाँ पर बचे थे दोस्तों खाली 2 बंदे, और मुझे सामने की साइड से आता है साउंड। अब ये भाई दोस्तों आए और चले गए, कुछ पता नहीं चला। यहाँ पे भाई को अपन ने अच्छा खासा डैमेज दिया, लेकिन भाई यहाँ पे भाई किक करके मतलब एग्जिट करने के बाद में जैसे अपने ऊपर फायर लेने वाले थे तो यहाँ पे भाई फिनिश हो जाते खुद ब खुद। अब यहाँ पे बची थी खाली 1v1 की फाइट, और मेरे सामने की साइड में बंदे की लोकेशन तो मुझे पता चल चुकी थी क्योंकि बंदे ने वहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी थी अपनी, मेरे को साउंड आ चुका था। तो अब की बार बारी थी भाई जोन में चलने की, तो यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा स्मोक वगैरह कर देता हूँ क्योंकि जोन में जाने के लिए अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं स्मोक वगैरह कर देता हूँ यहाँ पर। अब बंदे को लगेगा मैं सामने की साइड लोकेशन से आऊँगा क्योंकि स्मोक जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा उसी साइड में कर दिए थे, लेकिन मैं यहाँ से रोटेशन मारता हूँ भाई, पूरा फ्लाइंग मारता हूँ लेफ्ट साइड की तरफ से क्योंकि बंदे को यहाँ से बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि मैं लेफ्ट साइड की तरफ से आ चुका हूँ। अब सामने की तरफ है बंदा। अब मैं यहाँ पर पेड़ का कवर लेने के बाद मैं यहाँ पर मुझे लोकेशन तो बंदे की गाड़ी की आई थी खाली, लेकिन बंदा किस तरह चले गया होगा मेरे को बिल्कुल भी नहीं बताता, तो मैं यहाँ पर भाई रेंडमली जितने नेट से मेरे पास कर देता हूँ। अब बंदा मेरे हिसाब से यहाँ पे शायद थोड़ा बहुत एचपी लो हो चुका होगा, तो यहाँ पे भाई बंदे को यूएमपी थोड़ा बहुत ही हेमो लगता है, यहाँ पे भाई फिनिश हो जाता है और अपने को फाइनली इस गेम में मिल चुका था चिकन डिनर। अब दोस्तों अपन ने इस सीज़न में पहली बार चिकन निकाला था ये वाला मैच में, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को गेम प्ले पसंद आया हो और आप लोगों की रैंक पुशिंग में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो। तो दोस्तों चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों कल की बेहतरीन वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम मेरे प्यारे भाइयों।